स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं डीजे सर, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ द रैट ट्रैप का पार्ट टू। पार्ट वन वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। जैसा कि जो कहानी थी रैट ट्रैप यानी कि चूहे जिसमें कि चूहे को फंसाया जाता है किस भी जाल बिछा करके, उसमें रोटी का टुकड़ा या फिर चीज का टुकड़ा दे करके। अब लेकिन इस कहानी में आपने जैसा कि पहले पढ़ा हुआ, एक ये पैडलर है जो कि क्या बेचता है, चूहेदानी बेचता है। पार्ट वन वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये पार्ट टू जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट वन जरूर देखें, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो आयरन मिल में पहुँच जाता है, किस तरह से पहुँचा है वो आयरन मिल में, वो जाने के लिए आपको इसका पार्ट वन देखना होगा, तो वो जरूर देखें। तो अभी हम इसमें आगे का कवर कर लेते हैं। जैसे कि आयरन मिल में जो आयरन मिल के ओनर हैं, जो वहाँ के जो आयरन मिल के मास्टर हैं, वो आए हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लास में जब प्रिंसिपल सर आते हैं इंस्पेक्शन पे, तो हम क्या करते हैं, ये बड़ा अच्छे से टाई वाई टाइट कर लेते हैं और बड़े अच्छे से बोर्ड की तरफ देख रहे हैं जैसे हम कितने पढ़ाकू हैं। और सर के जाते ही क्या होता है कि सब हो हल्ला शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्शन में जो आयरन मिल के ओनर है वो इसलिए इंस्पेक्शन करने आते हैं ताकि उनकी जो क्वालिटी है ना लोहे की, आयरन की क्वालिटी, वो अच्छी आगे जाए। तो इसलिए वो इसके इंस्पेक्शन करने के लिए, जाँच पड़ताल करने के लिए नाइट विजिट पर आया करते थे। तो वैसे ही वो आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ एक अनजान इंसान सो रहा है ये मिल में। तो वो पूछते हैं गोल्ड स्मिथ से, वहाँ के वर्कर से, कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आके सो गया। तो ये बोलते हैं कि एक आदमी आया, पूछा सो जाऊँ, तो मैंने कहा सो जाओ भाई। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे किसी को भी सोने दे दिया, कैसा इंसान है कैसा नहीं क्या पता। बट फिर ये जाते हैं उसके पास कि जा करके देखूँ तो क्या है, कैसा इंसान है। फिर जाते हैं तो जैसे कि आपको पता है जो पैडलर्स होते हैं ना बेचारे, एक तरह से आवारा की तरह होते हैं, इधर उधर सड़क पे कहीं भी इनको सोना होता है, इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं होता है। तो इन लोगों की नींद जो होती है ना बहुत कच्ची होती है, क्योंकि रास्ते पे गाड़ियाँ वगैरह चलती है, एक्सीडेंट्स का डर रहता है, तो इन सब चीज़ों से ये लोग की नींद जो है बहुत कच्ची रहती है, बहुत कच्ची नींद सोते हैं। तो वैसे ही वो कच्ची नींद सोया हुआ था। इसके पास जब ये आयरन मिल के ओनर जाते हैं तुरंत जग जाता है वो। तो ये देख करके बोलते हैं कि अरे भाई कैप्टन, हम सेम बटालियन में काम करते थे, आप सीनियर मैं जूनियर। तो वो तो भाई पहचान ही नहीं रहा कौन कैप्टन, मैं तो कभी कैप्टन रहा भी नहीं हूँ, मैं तो ये चूहेदानी बेचता हूँ। वो तो वैसे कुछ बोलता नहीं, बोलता कि हाँ हाँ। तो फिर ये बोलते हैं कि चलो हमारे घर पे क्रिसमस डे सेलिब्रेट होने वाला है, क्रिसमस डिनर पे इसको इनवाइट करते हैं कि चलो, क्योंकि इनको देख करके थोड़ा सा दया भी आता है कि मेरे साथ काम कर चुका है और ये ऐसी हालत में चूहेदानी बेच रहा है बेचारा। तो सोचते हैं कि भाई घर पे ले जाऊंगा, थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े पहनवा दूंगा, कुछ काम वाम भी दे दूंगा, तो इससे क्या कि इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुधर जाएगी, ऐसी जो ज़िंदगी जी रहा है ना इसे थोड़ा सा बदल जाएगा। लेकिन वो तैयार ही नहीं होता साथ जाने के लिए, बोलते हैं कि चलो साथ में, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो बोलते हैं कि मेरी जो पत्नी थी एलिजाबेथ, उसका देहांत हो चुका है, बेटा अब्रॉड जा चुका है पढ़ाई करने के लिए, साथ में एक बेटी है एडला विलियमसन जो कि बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, तो चलो साथ में, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा तुम आओगे तो। ये बोलता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर ये बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं चलने के लिए, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पे दया खा के मैं ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ काम कर चुके हो, इसलिए क्रिसमस डे पे इनवाइट कर रहा हूँ एक तरह से डिनर पे। जैसे कि नॉर्मली क्रिसमस डे कुछ अच्छा सेलिब्रेट करते तो हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं ना, अपने जान पहचान वालों को जो हमें पसंद हो, तो वैसे ही मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बट ये नहीं तैयार होता, मना कर देता है। तो फिर वो चले जाते हैं, बड़े दुखी होकर जाते हैं। गोल्ड स्मिथ से जो बाहर वर्कर्स थे, मिल में जो वर्कर्स थे ना आगे, तो उनसे बोलता है कि भाई ये तुम्हारे ही साथ रात गुजारने वाला है। फिर चले जाते हैं घर पे, घर जाते हैं, बेटी जो है एडला विलियमसन देख करके ही समझ जाती है, इतनी स्मार्ट है कि देख करके ही समझ जाती है कि पिता किसी बात से दुखी हैं। तो पिता के पास आकर के पूछती है कि क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो, इतने निराश क्यों हो। तो पिताजी बताते हैं कि मेरे साथ जो मेरे कैप्टन रह चुके हैं मेरे बटालियन में, वो चूहेदानी बेच करके इतनी ख़राब ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में आज देखा उनको, तो आकर के सोए हुए थे, मैंने कहा कि चलो भाई क्रिसमस पे, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे, डिनर विनर कर लेना और क्या, बट वो आने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो फिर ये बोलती है बेटी कि पापा आप निराश मत हो, ऐसे क्रिसमस डे पे मैं उन्हें ले करके आऊँगी इस क्रिसमस। अगले ही दिन क्रिसमस था, अभी रात का समय, तो वो बोलती कि मैं लेके आऊँगी उन्हें। तो बोलते हैं पापा कि हाँ ठीक है, तुम तो किसी को भी कन्विंस कर सकती हो। तो वो जाती है, जाती है, जाकर के वो दरवाजे से देख करके ही समझ जाती है कि वो यही है वो पैडलर, जो क्योंकि फटीचर हालत में वहाँ लेटा हुआ था। तो जाती है उसके पास, उसके चेहरे पर से कैप हटाती है, वो चेहरे पे कैप रख के सो रहा था, कैप हटा के बोलती है, उससे बात करती है कि आप चलो, मतलब हमें बहुत खेद है कि आप ऐसी ज़िंदगी बिता रहे हो, आप पहले कैप्टन रह चुके ऐसा पापा ने बताया, तो चलो हमारे घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने। तो वो मना कर देता है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब जिस तरह से वो मना करता है ना, उसके एटीट्यूड से ये समझ जाती है कि भाई ये देखने से तो नहीं लग रहा कोई कैप्टन वैप्टन है, या तो इसने कोई चोरी करी होगी, या फिर ये कोई झूठ बोल रहा है, या तो ये कैप्टन नहीं है, कुछ तो बात है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो सच में कैप्टन भी नहीं है, चोरी भी कर रखा है। तो बेटी पहले बार में तो थोड़ा बहुत ये समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है।
फिर इसके बाद वो बोलती है, लेकिन फिर सोचती है कि पापा ने कहा है कि वो कैप्टन है तो है चलो भाई, लेकिन नहीं वो नहीं तैयार होता है, मना कर देता है। तो फिर वो कहती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मतलब जा करके आप कुछ फंस जाओगे या फिर मतलब आपको नहीं आने दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, अगर आप रात के 1 बजे भी कहोगे ना तो 1 बजे भी मैं आपको वापस यहाँ पहुँचा दूँगी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ये इसको एटीट्यूड से लगता है कि भाई ये तो एजुकेटेड भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कहाँ से ये कैप्टन है। बट फिर सोचती है पापा ने कहा है कि कैप्टन है, कैप्टन था तो शायद होगा। फिर वो कहती है कि चलने के लिए साथ में, तो फिर भी वो नहीं तैयार होता है, फिर भी वो मना करता है। तो वो समझ जाती है कि भाई शायद ये डर रहा है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा दिलासा देने की भी कोशिश करती है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है भाई चलो साथ में। तो फिर वो जा करके वो सोचते हैं कि चलो इतना जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो चल लेता हूँ साथ में, क्या है क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर लूँगा और क्या। तो वो तैयार हो जाता है साथ में जाने के लिए। बेटी एडला जो है वो लेकर के चली जाती है अपने घर पे। फिर वहाँ जब ये लोग जाते हैं तो जो उसके जो फादर थे ना वो इसको बोलते हैं आओ मेरे मित्र, आओ मेरे गरीब दोस्त, मतलब मेरे दोस्त आओ। और फिर इसको बोलते हैं कि चलो, नौकर जो होते हैं ना घर में उनको बोलते हैं कि इसको अच्छे से तैयार करो, इसको नहलवाओ धुलवाओ, इसके कपड़े साफ़ सुथरे पहनवाओ, इसके बाल वाल काटो और दाढ़ी वाड़ी जो है ये सब बनवा दो। और इसको बोलते हैं बेटी को एडला को कि एडला जो मैंने जो ड्रेस अपने लिए बनवाया है ना क्रिसमस डे के इवनिंग के लिए वो ड्रेस ये पहनेगा, इसको दे दो। फिर वो जाता है अच्छे से तैयार वैयार होने के लिए। तो इधर क्या होता है, बेटी पूछती है कि पापा क्या ये सच में कैप्टन था। तो पिताजी बोलते कि हाँ भाई कैप्टन था। तो बोलते ये देखने से तो मुझे कैप्टन लगता नहीं, देखने से तो लग रहा है कि चोर और लग रहा है ये देखने से। कहते नहीं नहीं देखना जब अभी तैयार वैयार होके आएगा ना तो बिल्कुल अलग दिखेगा, वो बिल्कुल स्मार्ट दिखेगा, तब तुम देख के समझ जाओगे कि हाँ ये कैप्टन था। तो फिर वो ऐसा कि उधर से आता है तैयार वैयार होके, ये बड़े अच्छे से दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम साफ़ सुथरे होके चिकना होके आता है। अब जब वो आता है तो ये देख करके चौंक जाते हैं। तो ये जब देख करके उसको चौंकते हैं ना कि भाई तुम कौन हो, जब तुम कैप्टन नहीं हो तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो ये बोलता है कि भाई मैंने कब कहा कि मैं कैप्टन था। फिर ये कहते कि तुम यहाँ क्यों आए, तो उसने कहा कि मैंने मना तो किया था यहाँ आने से। तो फिर ये बोलते कि तुम सच भी तो बता सकते थे कि तुम कैप्टन नहीं हो और यहाँ आने से मना भी तो कर सकते थे, कहाँ ज़रूरत थी यहाँ आने की। तो फिर वो बोलता है कि भाई तुम ही तो चलो 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 लगा रखे थे, खुद तो आया, आपसे माना नहीं तो बेटी को भेज दिया चलो 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 चलो, तो अब तो आया मैं इतने रिक्वेस्ट पे आया हूँ। तो वो गुस्सा जाते हैं बिल्कुल, जो आपके आयरन मिल के ओनर थे वो कहते हैं कि भाई ये मेरे से ऐसे अट रहा है, इतना अकड़ दिखा रहा है मुझे, तो बोलते रुको अभी तुम्हें मैं पुलिस के पास भेज देता हूँ। तो वो डर जाता है, पैडलर डर जाता है, बोलता कि नहीं नहीं आपने मुझे मतलब मैंने मना किया कि मुझे नहीं आना है, फिर भी आप ले बुलवाए मुझे, मैं ये जो फिर वहाँ पे बैठ करके वो बोलता है ऐसे हाथ मार के डेस्क पे कि मैं इस दुनिया के ये जो दुनिया है ना ये एक जाल है, इस जाल में मैं नहीं फंसना चाहता हूँ, रेड ट्रैप है ये दुनिया, मैं इसमें नहीं फंसना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुला करके फंसा दिया और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, अगर मैं जेल गया ना आपकी वजह से तो ये सब आपकी वजह से होगा, आपने मुझे इस जाल में फंसा दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई ये तो लग रहा है पागल वागल है। तो ये कहते हैं कि भाई इसको जाने दो यहाँ से निकाल दो। फिर उसको बोलते हैं कि भाई ये मेरा कपड़ा है, मैंने सिलवाए हैं ये कपड़े वपड़े खोल के जाना, अपने अपने वाले कपड़े पहन के जाना। तो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई मैं अपने कपड़े ही पहन के जाऊँगा जो पहन के आया था, मैंने कब कहा कि मुझे इतने हाईफाई कपड़े पहनवा दो, आप ही ने पहनवाया और फिर आप ही कह रहे उतार दो, तो उतार दूंगा अपने कपड़े पहन लूंगा। लेकिन इतने में एडला जो है वो यहाँ पे बातों को काटती है और कहती है कि पापा जब पहले आपने इसको इतनी इज्जत से बुलाया, जब आपको लगा कि ये कैप्टन है तो आपने इतनी इज्जत से इसको बुलाया खाने पे डिनर पे क्रिसमस डिनर पे, और अब जब पता चल गया कि ये वो कैप्टन नहीं है तो ऐसे कैसे आप लात मार के निकाल सकते हो, अब ये आया है, मैंने पहले ही बहुत सारे सपने देखे हैं कि किसी ऐसे इंसान को जो बेचारा इधर उधर भटक रहा है उसको बहुत अच्छा अच्छा फील करवाऊंगी क्रिसमस डे पे, उसको खूब सारे डिनर वगैरह अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगी, उसको बहुत स्पेशल फील कराऊंगी और आप ऐसा करना चाह रहे हो, नहीं ये रहेगा हमारे साथ क्रिसमस डे पे। तो पिताजी फिर मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसा कि वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है क्रिसमस डे पे। अब क्रिसमस डे के दिन क्या होता है कि वो पता है ये लोग जो होते हैं ना पैरलर्स, उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती, तो अब ये पूरे दिन क्या करता है, इसको जो जैसा कि ओनर ने कहा उस वक्त, ओनर ने एक चीज़ कहा कि खूब खाओ पियो ऐश करो जाओ क्रिसमस डे पे, तो वो क्या करता है पूरे दिन सिर्फ सोता है उठता है खाता है फिर सोता है, फिर लंच के टाइम उठता है फिर डिनर के टाइम उठता है, इस तरह से उठता है खाता है पीता रहता है। और बीच में क्या होता है कि जब कैंडल्स वैंडल्स लगाने होते हैं ना क्रिसमस डे वाले, तो फिर वो उसको उठा के लाया जाता है, एडला उठाती है कि चलो भाई वो सजा वजा दो, तो फिर सजा के जा करके वो सो जाता है। फिर वैसे ही रात के डिनर पे भी उसको उठा के लाया जाता है, लंच के टाइम पे मतलब समय समय पे उसको खाना पीना मिलता रहता है, लेकिन उसको लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी दिख रहा था यहाँ पे सोना, नींद दिख रहा था, खूब सोता है वो मज़े से। क्रिसमस डे का इवनिंग भी सेलिब्रेट हो जाता है, पूरा दिन वो खूब मज़े से सोता है उठता है। अब अगले दिन क्रिसमस डे के अगले दिन क्या होता है कि सुबह सुबह जो बेटी एडला थी और जो पिताजी थे आयरन मिल के ओनर, वो जाते हैं क्रिसमस, ये जो होता है ना इन लोगों का चर्च, वहाँ पे प्रेयर होता है क्रिसमस डे के अगले दिन, तो वहाँ ये लोग चले जाते हैं प्रेयर में। जो प्रेयर में
वो जो बहुत स्टार्टिंग में याद है आपको कौन मिला था, पैडलर से जो क्रॉफ्टर मिला था ना, वही क्रॉफ्टर इनका दोस्त भी रह चुका था, इनके साथ मिल में काम कर चुका था, वहाँ वो मिलता है, ऐसे बातचीत होती है। तो वो बोलता है, ये पूछते हैं उनसे कि तुम क्या करते हो, जो आयरन मिल के ओनर है ना, क्रॉफ्टर से पूछते हैं फिर से वही सवाल जैसा कि उसने पूछा था पैडलर ने। तो वो पूछते कि क्या करते हो भाई, तो उसने कहा कि दूध बेचता हूँ। तो फिर ये बोलते हैं आयरन मिल के ओनर की दूध बेच कितनी कमाई हो जाती है आपकी, तो बोलते भाई ये मत पूछो मुझसे, क्योंकि एक दिन मुझसे ऐसा ही किसी ने पूछा, रात में मैंने उसको रोक रखा था, मतलब आया था मेरे घर पर रुकने, पूछा ऐसा ही सवाल क्या इतनी कमाई हो जाती है, मैंने दिखाया कि हाँ भाई मेरी इतनी इतनी कमाई हो जाती है 30 करोड़, और फिर उसने क्या किया कि वो पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। तो ऐसे सवाल मुझसे मत पूछो। तो वो पूछते कि भाई कौन लेके गायब हुआ इतने पैसे तुम्हारे। तो वो बोलता था कोई रैट ट्रैप सेलर, और ऐसे ही पैडलर करके था, और आया था मेरे घर पे रात में रुकने और मेरे पैसे सारे चुरा के भाग गया। तो ये सोचता कि ओ भाई, हमने जिसको घर में रोक रखा है वो भी तो वही है, रैट ट्रैप सेलर है, जैसा कि उसने बताया पैडलर है, उसने भी अपना इंट्रो दे रखा है कि वो ऐसे ऐसे चूहेदानी बेचता है। तो ये लोग डर जाते हैं, अब ये लोग बिल्कुल सन्न पड़ जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, बिल्कुल कहते हैं जल्दी जल्दी घर चलो भाई, तो वो घर खाली कर चुका होगा। पापा कहते हैं इसके, आयरन मिल के ओनर कहते हैं कि भाई वो हमारी कितनी चांदी की चम्मच वम्मच सब लेके भाग चुका होगा। फिर ये लोग जब घर आते हैं जल्दी जल्दी, तो दरवाजे पे ही सबसे पहले चौकीदार से ही पूछ लेते हैं कि भाई कोई वो जो हमारा पैडलर था वो चला गया, कहते हाँ चला गया। तो भाई क्या क्या लेके गया, क्या ढेर सारा सामान चोरी करके ले गया? तो बोलता है कि नहीं भाई, वो कुछ लेके तो नहीं गया, लेकिन घर पे आपकी बेटी के लिए एडला के लिए कुछ छोड़ के जरूर गया है, 3 चीज़ें वो छोड़ के जाता है। तो ये कमरे में दौड़ के जाती है, देखती है क्या छोड़ के गया। तो उसमें एक लेटर था, लेटर के साथ एक चूहेदानी था, चूहेदानी के साथ एक उसमें एक वो था पाउच था पैसे का, जो उसने 3 करोड़ चुराए थे ना कोरोनर्स, उस पैसे को उसने उसमें रख दिया था और कहा था एडला को कि तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे इतना अच्छा फील कराया, तुमने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया ना पूरे एक दिन, कि मेरे अंदर भी इंसानियत जा गया, और मैंने सोचा कि अब मैं कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, इस दुनिया के रैट ट्रैप में नहीं फंसूँगा, क्योंकि मेरे अंदर का इंसान जाग गया इतनी अच्छाई देख करके, कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, तो इस वजह से क्रिसमस डे पे मैं आपके लिए प्रेजेंट दे के जा रहा हूँ, ये जो रैट ट्रैप है ना, ये चूहेदानी, और क्रिसमस डे का प्रेजेंट समझ के रख लेना, और साथ में ये जो पैसे हैं ना, ये उस एक रॉफ्टर के हैं जिसकी खिड़की के पोटली से मैंने चुराए हैं, तो उसका एड्रेस उसका पता दे रखा है, उसको जा करके वहाँ दे देना। तो यहाँ पे पैडलर की हैंडराइटिंग है, पैडलर की हैंडराइटिंग तो बहुत सोच सकते हो कैसे होगी, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसी हैंडराइटिंग में उसने वो लिख रखे थे, लगा रखे वहाँ पे, रख रखे थे लेटर। तो ये सब कुछ पढ़ती है, इसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई वो बदल गया है, वो अच्छा इंसान हो गया। और उसने यहाँ पे एक साइन कर रखा था लेटर पे, कैप्टन वॉन स्टे, जैसा कि उसने अपने आप को, जैसा कि इनको इसको कैप्टन की तरह ट्रीट करके लाया गया था, सबने कैप्टन की तरह ट्रीट किया था स्टार्टिंग में, तो उसी तरह से इसने यहाँ पर रिस्पॉन्ड भी जो किया कैप्टन की तरह से किया, कैप्टन वॉन स्टेल लिख करके उसने यहाँ पे साइन कर रखा था। तो वो कहता है कि अब मैं दुनिया के लिए जो हूँ कैप्टन, नाम कैप्टन से ही जाना चाहूँगा, मैं काम वैसे ही करूँगा, अच्छे काम करूँगा आपसे। तो ये थी आपकी कहानी, सीधे सीधे कहानी से हमें जो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी कुछ गलत क्यों ना कर ले, उसको प्यार से बदला जा सकता है, उसको प्यार से चेंज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो पैडलर था वो चेंज हो जाता है। और हमें ये भी सबक मिलता है, सीख मिलता है कि हमें किसी के जाल में, लालच में नहीं फंसना है, सबसे मेन चीज़ है कि हमें लालच में नहीं फंसना है किसी भी चीज़ के। तो आई होप आपकी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।